तीसरा पक्का? चलो तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब केपलर ने सोचा कि ये जो हमारा प्लैनेट है वो जब सन के चारों ओर घूम रहा है तो क्या ये सर्कुलर घूम रहा है, क्या ये सर्कुलर घूम रहा है? और अगर सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अज्यूम करो अगर जो हमारा अर्थ है, अगर कोई प्लैनेट है जो सन के चारों ओर कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो जब सर्कुलर, सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में मालूम है ना, सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो सर्कल में क्या होता है बेटा, सेंटर होता है, होता है कि नहीं होता है? और सन, सन को कहां रखेंगे हम लोग? सेंटर पे रखेंगे। सन को रखेंगे कहां? सेंटर पे। और हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर अर्थ जो है वो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सेंटर पर सन बैठा है तो ये जो हमारा अर्थ मान लीजिए यहां पर है तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा? हाँ कि ना? पक्का? और अगर ये रेडियस हो गया इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं रहे, जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा? होगा कि नहीं सेम? क्योंकि वो मालूम है ना कि सर्कल में रेडियस कैसा होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। हाँ, तो अगर ये रेडियस सेम है इसका मतलब ये हुआ कि सन से जो टेम्परेचर यहां पे अर्थ को मिल रहा है वही टेम्परेचर यहां मिलेगा, वही टेम्परेचर यहां मिलेगा, वही टेम्परेचर यहां मिलेगा, वही टेम्परेचर यहां मिलेगा। और अगर ऐसा सच में है तब तो अर्थ में ठंडा होना नहीं चाहिए। या तो ठंडा रहेगा तो गर्मी नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? फिजिक्स का कसम खा के बोल, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात है? तो किसी का दिमाग तो इस बात पे जाना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वेदर चेंज हो कैसे रहा है। तो यहां पे केपलर ने सोचा कि ना सर्कुलर पाथ तो नहीं हो सकता है। केपलर ने सोचा कि सर्कुलर पाथ तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने रिसर्च करके इस बात को बताया कि जो हमारा प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। किस पाथ में बेटा? समझ में आ रही है बातें? पक्का? समझ में आ रही है? तो इलेप्टिकल मतलब वलयाकार, वलय, वलय का डायग्राम कैसे बनाएंगे? अंडा के जैसा, ऐसा।